अब आप ही समझम कैसे पढ़ेंगे, नाम पढ़ेंगे? चले नीचे यहाँ पे रख, यहाँ पे आएगा चल। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम होम है। वेलकम होम, बिल्कुल ठीक। होम स्वीट होम, माशाल्लाह घर पहुँच गए। और माशाल्लाह हिरा ने ये नाश्ता बना के पहला दिया है। और ये सालन बाजी ने नहीं, भाभी ने कल चिकन का दिया था, उसके साथ नाश्ता कर रहे हैं। और कैसा लग रहा है? हाँ भक्के, गर्मी लगेगी। आप मुझे बताएं कैसा लग रहा है घर आके कैसा लग रहा है? वो अल्लाह का घर है, ये हमारा घर फर्क तो फील होता है, सुकून आ गया ना। लेकिन अभी थकन, बीमार, एक दो दिन तो अभी ऐसे गुजरे। वहाँ से ज्यादा सुकून कहाँ? नहीं, वहाँ से ज्यादा सुकून तो कहीं। आप ये सफर का कहो, ट्रैवलिंग का कहो, उसके बाद घर आके सुकून? हाँ नहीं, उसके बाद जाहिर है सफर बहुत लंबा था ना हमारा। पहले वो ट्रैवलिंग रात पूरी ट्रैवल करते रहे, फिर कराची, फिर हैदराबाद। टाइम तो पहले होटल को छोड़ना था। हाँ। छोड़ा, फिर उसके बाद हमारी फ्लाइट लेट थी। हाँ। फिर हाँ वही ना। फिर उसके बाद हम कराची से नाश्ता करके निकले। मैं हम लोग हैदराबाद सब्बर के पास रुके, वहाँ से लंच किया। फिर भाई आए थे लेने, जाहिर है फिर भाई को ड्रॉप किया, उनके घर से खाना उठा के फिर रात को हम पहुँचे। तो अब ये रात को तो हमने खाया नहीं, अब नाश्ते में खा रहे हैं। ये मनी प्लांट के नीचे मनी लगेंगे लग रहा है। हमने आते ही माशाल्लाह आमों पे धावा बोला। टारगेट है 10 दिनों में खत्म करने, 12 दिनों में, है ना? जैसे आइसक्रीम नहीं खाता बंदा, आपके ठंडा लग जाएगा। मैं तो इतना ठंडा खाता ही नहीं ना, मैं मीठा खाना। बेस्ट आपको टिप यही देने कि आप छिलकों के साथ रखें, ये भी सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन छिलकों के साथ जरा वो चूस लेते हैं आप, दबा के उनको छील दिए ना, तो ये फ्रॉस्ट बाइट जैसी होती थी, ऊपर का थोड़ा सा वो हो जाता है, हार्ड सा। हाँ, लेकिन इनका जायका वैसा ही का वैसा ही है, जायका में कोई फर्क नहीं। बिस्मिल्लाह। ये देखें, आज हमने दोपहर में बनवाई दाल और चावल जैद के लिए। सेहत का अपडेट करो कि शुक्र है, बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। अच्छा, आपने खाने उतने ही है, क्योंकि रात का 360 पे आपकी दावत है सीमा बाजी की, और उतनी 9 बजे रात की। मैं तो अभी प्लान करके आया था कि खाना खाने के बाद सीमा बाजी के चलते हैं। अच्छा, इसलिए गाड़ी भी मैंने बाहर खड़ी। नहीं, रात की दावत है सीमा बाजी की 360 की। मैंने कहा बाजी अब तुम तकल्लुफ में पड़ जाओगी, सारा रात पकाती रहोगी। कहने नहीं, मैं तुम्हें बाहर लेके चलना। मैं कहा चलो। तो अब आप इतना ही खाना, फिर नहीं कहना कि मैंने खाना बहुत खा लिया। चलो ठीक है ना, नहीं पर उतना ही खाए ना जितने खा सकते। तो बिस्मिल्लाह पड़े। तो आपने गोलियां खा ली है? मुझे तो वो बताओ। हाँ हाँ, सब खा ली, सब खा ली। और बुखार तो नहीं? नहीं, अल्लाह का शुक्र बुखार। वो हॉट शावर लिया आपने? हाँ, सब ठीक। बस इंशाल्लाह अपने का हम इतने पहुंच गए थे ना, और रास्ते वाली जड़ी थकावट आपने घर से बढ़ा अभी, मतलब अभी भी नहीं। खैर, वो रास्ते वाली जो थकावट है ना, जैद ये क्या किया आपने, मोतिया सारा निकाल दिया? मोतिया को याद है, उसने भी कहा था, जो जिसने आना था वो कह रहा है इसको आप कटिंग करो। ये एक मिनट बंद करो,
पर वो आया था हीरा, कह रही है तो हीरा अकेली थी, हीरा ने दरवाजा नहीं खोला। ये पौधों की तुमने तो ये गार्डनिंग करती थी, इनकी कटिंग बड़ी जरूरी है। हाँ तो फिर ये सही पैटर्न पे ये चलते हैं। अब ये कोई उधर को जा रही टहनी, कोई इसमें फंस रही, कोई उसमें। और दूसरी बात, इतने हो गए ये देखो इसके अंदर ना जाला और वो लगना शुरू हो गया, क्योंकि अंदर से इतने जगह छोटी हुई है तो जगह। अब मैंने इनको ये किया तो अब हम इंशाल्लाह जब जनवरी फरवरी तक ये ग्रोथ भी पूरी करके और इसमें मोतिया शोतिया प्रॉपर सही लगेंगे, तो ये मैं सुबह से ये कर रहा हूँ। अब इसको ये है जो ये कटिंग करके ये हीरा खुद ही फेंक देगी। सही। तो ये वजह मैंने अच्छा दूसरी चूंटियाँ मुझे नहीं समझ आती, ये अगर किसी को इसमें ये इतनी चूंट क्या इसकी वजह से पौधे को कोई नुकसान पहुँचता है? नहीं तो वो दवाई यहाँ पर भी डाल देना। कौन सी वाली? वो जो वो तो डाल दे, जब उसको डालते हैं ना पाउडर को काफ़ी दिन तक वो नहीं नजर आती, उसके बाद फिर नीचे से मिट्टी निकाल निकाल के ना पता नहीं। ये माली बताएगा, माली ये किसी इधर साहब आज मैंने सुना कि वो जो चूंटियाँ ये मिट्टी निकालती है ना पौधे में से, इसका कहते हैं फेस मास्क लगाना चाहिए, बड़ा फायदा देता वो। अच्छा। एक आज चूंटी भी लग गई साथ तो कोई बात नहीं लगा नहीं लेना ऐसे कोई सच समझ ले। हाँ नहीं लगा नहीं, लोग इतने पागल भी नहीं जो धूप में रहने चाहिए वो धूप में, और जो हाँ इसी वजह से हाँ एक दिन छोड़ के कैसे माशाल्लाह हरे भरे हो रहे मेरे पौधे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, करी पत्ता सब। हाँ जी फरमाइए। ये गले से उतरेगा तो तुम तो कहना कर दिया पहले, हो थोड़ा मेरे करीब भी गर्मी पक्का बंद करो दो मिनट बाद में। नहीं सर तुमने गर्मी में मारना होता मुझे बस, और चलो रोटी खा लो फिर, रोटी ठंडी बाद में करेंगे ना, बाद में करेंगे बात, ये रोटी ठंडी नहीं खा करें नहीं, मैं हूं तो नहीं करनी, भले मैं तू लाख रुपया भी हूं नहीं करनी, रोटी खा के फिर करेंगे ना, आवाज नहीं जल्दी आवाज फिर अपना लगाए ना वो आवाज पता नहीं मल देते ही जाके देखेंगे। कह रहे वो कई दफा इसको भी सील किया होता है और कई दफा इसको भी इन्होंने अंदर करके इसको डाला हुआ है, तो चले ऐसे ही काटे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें इस इन पत्थरों पे भी आपका जैसे बैगेज का टैग है इनमें भी लगा दें, क्योंकि जहाज के हैंड कैरी में जैसे जाते ऐसे नहीं जाइए, बैगेज में जाइए, ये भी लगा दें। मैं आपको बताने यार बहुत से लोगों को स्ट्रगल करते हैं, मैंने देखा, देखे मैंने क्या किया, इस साइड पर भी आसफा जैद चारों तरफ आसफा जैद और अगर ये यूं बोतल खड़ी है तो शायद ऊपर भी कटी है, देखो ये ऊपर भी लिखा हुआ। वरना आप जब ट्रैक पे आता है, अच्छा अब जब ट्रैक पे आ रही है वहाँ तो सैकड़ों बोतलें चली आ रही है, तो ये टिप है चारों तरफ राम की। अब ये टैग इसको पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, तो मैं उसके बावजूद मिलने के बाद भी मैंने सही अपना नाम ढूंढते मुझे आधा घंटा लगा, तो आप अपना मार्कर या पेंसिल सब तरफ नाम लिख दें, सिंपल चारों तरफ नाम लिख दें, जैसे पास से बोतल गुजरती है टैग के साथ, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो तो वो टैग आपका जो लगे होते हैं उनके साथ सारा बैगेज आपका चेक कर देंगे, बोतल भी इसकी ये बैग भी इसी का, तो ये साथ, तो ये ज़रूरी है कि चारों तरफ इसके नाम लिख लें, टॉप पे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़ी आसानी होगी आपको, चूँकि आपसे बोतलें आ रही हैं आपको अपना अपने हाथ की राइटिंग लिखी हुई फौरी पता लग जाएगी, तो मेरी मेरा नाम है मेरी, तो ये ज़रूर करें आप जब भी बात, ठीक है चले माशाल्लाह। बोतलों के जमजम की ये कल सारे आरिफ लेकर आया था माशाल्लाह, उसने माशाल्लाह ये सारा इंतज़ाम किया, बैग तो खैर वो इन्होंने जैद ऐसे दिए हैं सेलों के बैग दे दिए हैं, इन सेल इस पे लिखा है सेल वेल जो भी उसको बेचारे को मिले जो गिफ्ट बनाने के लिए, सेल पाकिस्तान पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ आज़ादी सेल और पता नहीं क्या, खैर हमने तो वैसे ही गिफ्ट डालने के लिए मंगाया, और जिप लॉक मंगाए ताकि इसमें खजूरें और बोतल आ जाए, और अब जमजम ये रखा, और हमने वहाँ से खाली जो ली थी ना अजवा खजूरें ली थी माशाल्लाह, और अल्लाह चाहे सब इनको पढ़ के दुआ करेंगे और अपनी सेहत के लिए अब जमजम के साथ और खजूर।
मंजूर है और साथ अल्लाह ताला सबको अपने घर बुलाए। अस्सलामु अलैकुम। मेरे ख्याल से कि आवाज़ सही जाएगी इसमें, क्योंकि वो पंखे बंद किए हुए ना, तो ये वैसे भी एको साउंड है। तो अब क्या मतलब अब करने क्या लगे कि इसमें अभी से पैकिंग? अब आप पहले मशवरा कर रहे हैं कि ये फटाफट करें, अब एक एक को निकाल के देना उसी वक्त बहुत मुश्किल है। पहले से बना के रख लें? नहीं नहीं, बैग पहले से बना के, जो पानी की बोतलें और खजूरें, खजूरें तो चलो उसी वक्त उस फैमिली के साथ से डाल सकते हैं, लेकिन पानी की बोतलें एटलीस्ट भर के रखी हो, ताकि उस वक्त निकालना एकदम से बड़ा मुश्किल है देना। और यहाँ अगर ज्यादा हो, अब ज्यादा आपके पास है तो यहाँ जब आए ना तो इसमें छोटे से एक उसमें वो तो यहाँ पे बाकी घर कोई फैमिली का मेंबर घर में रह गया नहीं आया तो उसके लिए सात बोतल आप साथ दें, ठीक है। और ये तो है आपसे कोई मशवरा था कि किस तरह करना चाहिए वो जरा बता दे। बाजी तो यही कह रही थी कि आप बोतलें बना लो और आप लोगों ने खालिस देना, हमने तो खालिस बाजी कह रही थी बता देना की खालिस है और वो फिर अपने हिसाब से पानी तो डालने, हमने बिल्कुल खालिस देना है, चाहे आधी बोतल डाले आप, हम देख लेंगे लास्ट में कितना पानी रह गया, तो फिर आधी बोतल भी दे सकते हैं वो दे सकते हैं, तो फिर लोग अपने हिसाब से खुद ही पानी बढ़ा लेंगे। इसमें डालू? हाँ इसमें डालू। ये हीरा धुला हुआ ये ना असवला पानी साफ वाले से ना, ऐसा ना हो कि। और खजूरों का भी हमने कोई इसमें मिक्स नहीं की है उतनी, क्योंकि हमने कोई हर घर में किलो किलो तो देनी नहीं है, जो है उनको बांट के हर घर के हिसाब से देंगे, वो एक तबरुक के तौर पे है बस। और तबरुक के तौर पे ही दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये बस हमने का शुरुआत कर ले आज, और कोई आपने ऐड कर मुझे एक अपना हीरा वो पकड़ा है, ये बोतल एक मैं भर देता हूँ, मेरे हाथ से अगर भरवानी है तो मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद अच्छा नीचे नहीं गिरे, यहाँ से गिरे ना कोई पेपर टावर हो तो उसी में आपने इसको ताकि पानी में वो जाया भी ना हो, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि ये जाया होने गिरेगा नहीं, अल्लाह ने चला नहीं। तो वो बाजी कह रही थी बड़ा सा तिगारी कुछ रख लो साफ सुथरी, ताकि पानी गिरे तो उसी में गिरे तो दोबारा आप पी लें या यूज कर लें उसको ना। बिस्मिल्लाह। अब देखना ही है कि एक जग से कितने पानी भर के, देखो ये कितने भर के, ठीक है ना। तो ये आते पहले ढकना टूटा हुआ देखना, देखो तो अब ये लीक ना हो जाएगा, ये देख लेता हूँ नहीं तो नहीं। अब इतनी बोतलों में उसने बेचारे ने एक ढक्कन तो देखना नहीं, नहीं। था कि टूटा हुआ। आरिफ आरिफ की खैर नहीं है, आरिफ होशियार हो जाए तो चले पता है ना घर वालों का सबका, अगर किसी रैंडम को आपने देनी है तो इसमें आपने ये डाला खजूरें कितनी आपने डाली, खजूर खोली जो खुली हुई है ना वो एक पैकेट लेकर उसमें वो डालते हैं, वो उसने कह के उसने डब्बों में बंद करके रख दी ना। अच्छा बताया कि कोई चूंटी चढ़ी फ्रिज में तो रख नहीं गए, क्योंकि अजवा खजूर ऑलरेडी ड्राई होती है वो खुश्क होती है ज्यादा, और ज्यादा खुश्क हो जाएगी। अब फ्रिज में रखेंगे तो इतना हार्ड किसी का दांत ले जाएगी वो, तो फिर कल लोग कहेंगे भी सूखी खजूरें दे दी वो दे दी। मुझे पता, मैंने सुबह चेक किया ना, बड़ी मतलब हार्ड है ये तकरीबन, तो अब आप बिस्मिल्लाह कितनी अंदाजा कितने कितने, चार पाँच पाँच छः छः, अगर छः मेंबर भी हैं घर के किसी के, दो चार कम से कम छः तो उसको दोगे ना, अगर बचेंगे बाद में फिर ऐड कर देंगे इसमें, तो अब आप उठाते जाए डालते जाए इसमें। और मैं तो उठा लो बैंड जी पूरा हो जाना, किधर हीरा इधर सामने रख दो ना, किधर है ये है ना सामने पड़ी चीजें, ये लो अब इसमें दूसरा बनाए खोलो, एक बोतल देना मुझे यहाँ सामने रख दो बल्कि इसी जगह पे आप यहाँ रख दें, मैं इसको भर के इंशाल्लाह गिरेगा नहीं अनलेस के मेरा हाथ के तो काम बना जाए। बल्कि इधर ले आओ बड़ा बर्तन एक, जिसमें अगर फिर भी गिरे ना पता नहीं ये ना हाथ कहीं कांपा तो पता चले वो नीचे गिरेगा, हम नहीं चाहते कि आप जम जम को ऐसे इसमें जी नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल उसकी इतनी ताजीम तो होनी चाहिए ना कि क्यों जमीन पे गिरे, ठीक है ये दो हो गए बस ये दो हो गए करके और मैंने चले। तो फिक्र नहीं करो, ये कम से कम 100 बोतलें भरनी और आप लोगों ने देखना है, चलो बस सैंपल दो दिखा दिया आपको, हाँ बस सैंपल आपको दो दिखा दिए हैं और बस अब आप देखें आगे आगे क्या। तुम लोग हंसोगे क्योंकि इसमें भी जो बड़ा पुराना लतीफा है लोगों ने सुना होगा, वो एक शायर था तो शायर मुशायरा हो रहा, उसने शेर शुरू किया, बोला
अर्द किया, बोला हाँ जी किया, अर्द करो करो करो, बोला क्या कहता एक दो तीन चार हाँ। तो सामने वाले जैसे दाद नहीं देते, वाह भाई वाह वाह भाई वाह, कहते पांच छे सात अठ, कहते वेरी गुड भाई, एक दो तीन चार पांच छे सात अठ, खत्म हुए। तो अब जो ऑडियंस है वो एक्सपेक्ट करते हैं अब आगे कोई शेर सुनाएगा, कहता नौ दस ग्यारह बारह। तो आपके साथ भी यही कर रहे हैं, एक दो और फिर ये गिनते जाना। अच्छा जब लोग गुस्सा आ गया हाँ। अभी उसने दो तीन और गिने, चलो मैं शॉर्ट कर दे, तो कहते यार भाई कहता है आपको आप शेर भी आगे कुछ सुनाओ, मतलब फिक्र नहीं करो, कहता हाँ जी एक लाख की गिनती गिननी है मैं। फिर कहता मैं शेर सुनाऊंगा, तो ये मैंने बोतलें ये फिक्र नहीं करें भी सौ बोतलें थोड़ा भर दे तो होनी है मैं, तो फिर दूसरी बात आगे करेंगे। चले बंद करो इसको, तो बस इंशाल्लाह बाकी ये जो चीजें बाद में रखनी हुई दिखाते जाना। अच्छा है जो मैंने अपने बच्चों के लिए लिए हैं वो तो इंशाल्लाह आपको कनाडा जाके दिखाएंगे कि क्या लिया उनके लिए, लेकिन यहाँ जो मैंने जैद ने अपने बहन भाइयों के लिए जो चीजें ली है उनके लिए जो मैंने बैग्स मंगवाए उसमें आज ही पैक कर लेंगे, क्योंकि जो फिर आता जाएगा जैसे अब आज आसिम आया था तो अभी हमने खोले ही नहीं था कुछ, तो उसको खाली आबे जमजम और खजूरे वैसे खिला दी, हाँ, खिला दी, लेकिन जो स्पेशल गिफ्ट उसकी अम्मी के लिए लेकर आई हूँ या उनके घर वालों के लिए तो वो हमने पैक नहीं किया, तो वो अब जैद के साथ लग के वो पैक कर लेते हैं। वैसे भाई जिन्ना उची तुम बोल रही हो तो मेनू मुश्किल नहीं सुन रही। अच्छा चले आप बता दे मेरे से, क्योंकि मतलब उसमें आवाज तो जाए जो लोग, मेरा गला खराब है और कितने तेज बोल। अच्छा बताए क्या कहा मैंने, कोई जो भी किया ना जो इन्होंने कहा बस आप गौर से सुनो, मैं रिपीट करूंगा तो वीडियो बड़ी लंबी हो जानी है आप थोड़ा सा, क्योंकि जितनी आवाज में ये बोली है मुझे लगता नहीं है कि इसमें सही आवाज गई होगी। शॉर्टकट में बता, शॉर्टकट तो मेरे से शॉर्टकट होता ही नहीं, मैंने जिंदगी में कभी शॉर्टकट इख्तियार नहीं किया, मजाक के अलावा ये वेरी सीरियस नोट है, होता ना किसी काम के लिए बंदा का मैं शॉर्टकट कर लूँ, मुझसे नहीं होता आज तक और वीडियो में भी नहीं हो रहा जब तक मैं उसकी डिटेल ना बताऊँ। खैर तो बस वो गिफ्ट पैक कर रहे हैं, अब जमदम को वो मैंने उसका अजवा खजूर थी उसका दिखा दिया, अब आसपा अपनी वीडियो में मैंने कहा बेहतर है कि आप दिखाओ उसमें मैंने क्या है हाँ। तो वो बहन भाइयों के लिए जिस उनके दोस्त साहब के लिए जो भी गिफ्ट है तो वो ये अपने उसमें वीडियो में दिखाए और उसमें रिकॉर्ड करें, तो मैं अपना कैमरा यहाँ ऑफ कर देता हूँ, इतने बहुत है मेरे लिए, ठीक है ना, अब अपनी इतनी कैमरा को लगाता हूँ तुम्हारे यहाँ और उसमें जो मर्जी बोलते हैं। चले जी आज कर रहे हैं हम पैकिंग गिफ्ट्स की बहन भाइयों के लिए जो लेकर आए, तो अल्लाह ने चाहा तो आज सारे बना लेंगे इंशाल्लाह ताला, बिस्मिल्लाह। अब दिल थाम के बैठो, अभी हमारे बहुत ही मेरे करीबी दोस्त और आपको पता है यूट्यूबर भी हैं, सपोर्ट करें, मैंने कई दफ़ा आप लोगों के लिए उसके लिए वीडियो बनाई, आप लोगों को रिक्वेस्ट भी की, आर जे अली मुनव्वर माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहा, फलाही काम कर रहा और पूरी दुनिया से आप लोग उनसे कॉन्टेक्ट रब्ता कर रहे हैं और उनको डोनेशन की शक्ल में उनको कह रहे हैं कि किसी ने भी जो काम करना है ना आसपास मेरे हमारे लिए ये सदका कर दें, हमारे लिए ये हकीका कर दें, हमारे लिए कोई फैमिली कॉल करती है उसके घर पहुंचता है उसकी सारे हेल्प के लिए, जो उसके पास बजट आया हुआ होता है सारा उसने ख़त्म करना होता है स्पेंड करता है, लोग और भेज देते हैं फिर वो चले, तो इसलिए मैं कह रहा था इसे मेरे बड़े दिल के करीब है, दोस्त भी है पुराना आज का नहीं, तो अब मैंने कहा उनको भी कैसे हम भूल सकते हैं, तो आप लोग मेहरबानी करें इस वीडियो के हवाले से कि आप उनको सब्सक्राइब करें उनके चैनल को, आज आओ मुझे पैकेट लाओ मैं उसके लिए उनके लिए बनाऊं, तो ये हो गया तो इसी में डाल देंगे छोटे बैग खत्म हो गए। हाँ हाँ जो भी है ये देखें चार तीन सात अब जेन में आई इतनी बनाने के बाद। अच्छा उनको तस्वीर एक रखनी दफा एक ही तस्वीर एक ही और भी किसी को देनी परफ्यूम कौन सा रखना है परफ्यूम कोई भी जो ये कर दो ये खाना काबा वाला जो है मेन जो ज्यादातर ठीक है ये हो गया तस्वीर रख दी आपने और क्या चीज हो गई अच्छा मसवाक जो है हाँ वो इनमें से वो कर दो हाँ। और क्या चीज है बस यही तो बस ये था अच्छा एक पैकेट मैंने और बनाना है ऐसा बना। तो उसमें भी ये खजूरे तो ये चार ये देखिए आसपास अब लोग कहेंगे ये है जो उसने ऊपर हमको दिखाई थी ना खजूर हाँ,
तो ये जो सेहतमंद खजूर है ऊपर रखी थी, उसके बाद नीचे सारी छोटी पैसे उसने लिए जो अच्छी खजूर के पैसे के वो लिए हमसे, और जब ऊपर की भरा और नीचे से मुझे थोड़ी शक हुई, पर मैंने कहा यार ऐसा नहीं कर सकते, अभी आके देखे तो जो छोटी 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 उंगलियां नीचे सब वो थी। तो मैं अभी कुछ नानत मुदामत करूँ या ना करूँ, देखे मदीने में बैठ के मस्जिद नबवी के साथ दुकान हो रख के और ये जलालत कर रहे हैं, मतलब पैसे आप अपने मुंह मांगे ले रहे हैं और गलत चीज दे रहे हैं, चले छोड़े बस आप डाल, और वो भी हमारा पाकिस्तानी, अब फिर लोग कहेंगे कि जो यूं करते हो पाकिस्तान को खराब करते हो, अरे डाले उसमें पैकेट में, मैं बात जब तक कंप्लीट नहीं करूंगा मैं नहीं कुछ करना, मैं जा रही हूं आप करते हैं मेरी बात को जो बीच में नहीं ठोका करना, नहीं मैं जा रही हूं फिर आप, ये नहीं इसकी गवाह हो कि नहीं ये था पाकिस्तान, नहीं पर मैं गवाह अब नहीं बन रही, छोड़ क्यों मैं मुकर गई, चल तो लग रहा तो पैसे वाली गवाह के इनको पैसे दो तो गवाही झूठी गवाही दे, हाँ। तो वो कम कर दिए, फिर सच्ची गवाही की बात है तो वहां तुम कहती मैंने गवाही नहीं देनी, तो उन्होंने यकीन करें हमसे वो पैसे लेके और वो छोटी छोटी खजूरें में पीछे नीचे सारी जाती हुई, एक पैकेट वो पहले वाला अब आया जो थोड़ी सी मोटी सेहतमंद जिसके हमने उसने चार्ज किया। अब ये है हमारे माशाल्लाह लोग हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे, वहां बैठ के भी फ्रॉड कर रहे हैं बिल्कुल, और ये ना कोई कहे कि नहीं वो किसी और मुल्क का भी हो सकता, भाई वो उर्दू बोल रहा और खुद मुंह से कह रहा कि मैं फलाने इलाके का, उनको होता है कि कस्टमर इस वजह से ज्यादा मुझे वो करेगा, और वहीं से अपने पास छोटे शॉपर में पकड़ी जाती है, जो प्लेन वाले अपने बैग होते हैं ताकि उसमें डाल दें, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा बैग है ना, फिर उसमें डालने का फायदा नहीं, छोटा ऐसे छोटे बैग नहीं थे जो ये लो, ज्यादा एक मरतबा खरीद कर हम लाते छोटे बैग वाले उनमें वो ज्यादा अच्छा है। ये इसमें क्या डालना है, अपने तस्बीह और हाँ बस ये जो बेसिक आइटम जो बच्चे और सात परफ्यूम डालते हैं, ये जो गरीबी गरीबी है, और ये परफ्यूम एक मेरे इस नेबर के लिए एक दो के लिए भी आदमी रखना है, नहीं तो अभी बना लेना पैकेट, अभी बना लेना पैकेट, तो ये अलखवाल है क्या, वो दूसरा वो ला रहे हैं, अच्छा ला रहे हैं, तो मेरा कैमरा जब तक चलता ही रहेगा, नहीं आप पॉज कर देना, पॉज करके ऑन कर लें, मैं अभी कौन उठे यार दूंगा क्या हूँ, उठ के जाना है तो ताज़ा ताज़ा आई है, जो गुस्से ना भी देखना है यार, बड़ा ही बुरा होगा, शोर में गुस्से ना देख रही थी, तो प्यार भरी नजरों से देखना चाहिए, आज ही आ जाए ना वापस, अब वो डालो चार, इनको अच्छी वाली खजूर है, ये लक्की थी, ये पैकेट इनको अब गया, जो जिसकी किस्मत है वही जाएगा, ठीक है अच्छा जी, ये कितनी खतरनाक चीज, इसमें वो स्टेपलर, अच्छा तीन चार तीन सात आठ नौ और दस, हो गया अच्छा नेक्स्ट, आपके लिए तीन पैकेट बन गए, अब आप याद रखें कि किस किस का बना रहे हैं, चार बन गए, और एक डॉक्टर सलीम अख्तर, डॉक्टर सलीम अख्तर भी, डॉक्टर सलीम अख्तर ये भी वो है जिनसे जिन्होंने कार मुझे वहाँ मक्के में थी, मक्के में या मदीने में, मक्के में नहीं बल्दी में, तो वहाँ भी इनसे बात हुई, हाँ दोनों बताओ मदीने में भी हुई फिर मक्का में भी हुई, तो उनको भी फिर मैंने व्यू वगैरह दिखाया, बड़े करीबी दोस्त हैं हमारे, क्रिकेट हम इकट्ठे खेले, ENT स्पेशलिस्ट हैं, और किसी ने ENT का कोई इशू हो तो फिर आप ले सकते हैं, यहाँ का लोकल बंदा जो भी हो जाए उसके सामने तो मेरा नाम चलता है, नहीं मेरा नाम ले के जैल भाई ने भेजा बस, बाकी फिर वो सलीम का काम है, ठीक है किसी का फायदा हो चलो अल्लाह करे, चार चार आठ दो दस, ठीक है रखना सबके लिए एक जैसा है, जब बच जाएंगे फिर जिसको मर्जी दे दो, अभी वो पैकेट सबके लिए एक ही जैसे बना रहे, दोस्त हो
पड़ोसी हो, बाहर का हो, करीबी हो, चले ठीक है। ये हो गया। अच्छा तो चार आठ तो दो दस, ये भी इनको भी मेंशन कर दूं, ये भी हमारे माशाल्लाह बड़े अच्छे दीनदार हाजी मोहम्मद अनवर पंवर, ये इनके बेटे हैं नमान अदनान सलमान, तो ये उनके लिए भी ठीक है। तो चार और हाजी अनवर भी वो हैं जिनके लिए भी मैंने आजकल थोड़े से सेहत के इशू भी हैं, उनको बेचारे को थोड़ा सा शायद इंश्योर नहीं हूँ, तो अभी टेस्ट वगैरह चल रहे हैं कि शायद कोई शुगर का इशू वगैरह, उनके लिए भी मैंने वहाँ स्पेशल दुआ भी की और उनको व्हाट्सअप पे उसके ऊपर मैंने फेस टाइम भी किया उनके साथ। वो हाजी साहब से नहीं मुलाकात हो पाई, वो लगा नहीं, लेकिन मैंने कोशिश की कि उनसे। अच्छा और